आज का का सम है और पर हमें वैल्यू फाइंड करना है इस टाइप के सम में जो गिवहन है उसको लेकर चलेंगे यहां देखिए ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट थ्री ए प्लस वन इक्वल टू जीरो और हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू अंडर रूट थ्री ए अंडर रूट वाला जो टर्म था उसको हम राइट हैंड साइड में लेकर चले गए हैं नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वन बाय ए इक्वल टू राइट हैंड साइड में अंडर रूट थ्री ए बाय इसको अब हम अलग अलग करके लिख लेते हैं तभी हो जाएगा ए स्क्वायर बाई ए प्लस वन इक्वल टू राइट हैंड साइड में देखिए ए एंड ए दोनों कैंसिल हो गया बचा अंडर रूट थ्री और लेफ्ट हैंड साइड में देखिए ए एंड ए स्क्वायर कैंसिल हो गया बचा ए प्लस वन बाय ए इक्वल टू अंडर रूट थ्री लेकिन यहाँ पर हमें ए क्यूब प्लस वन बायूब का वैल्यू फाइंड करना है इसलिए ए को एक, एक क्यूब बनाने के लिए मुझे क्यूब करना होगा क्यूबिंग बोथ साइड्स। जब लेफ्ट हैंड साइड का क्यूब करेंगे तब हो जाएगा ए प्लस वन बाय ए होल क्यूब एंड राइट हैंड साइड में अंडर थ्री क्यूब अलजेब्रा का एक आइडेंटिटी जो है ए प्लस बी होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी इसी फार्मूले का यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड में यूज करेंगे तब ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस वन बाय ए होल क्यूब प्लस थ्री ए बी बी के बदले यहाँ पर वन बाय ए है ए प्लस बी बी के बदले वन बाय ए लिखेंगे इक्वल टू राइट हैंड साइड में देखे अंडर रूट थ्री क्यूब यानी अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट थ्री अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट थ्री थ्री हो गया यानी थ्री रूट थ्री और ए क्यूब प्लस वन बाय ए क्यूब प्लस यहां देखिए ए एंड वन बाय दोनों कैंसिल हो गया बचा थ्री ए प्लस वन बाय ए प्लस वन बाय इक्वल टू आया है अंडर रूट थ्री तब हम यहाँ पर a प्लस वन बाय ए के बदले अंडर रूट थ्री लिखेंगे इक्वल टू थ्री अंडर रूट थ्री और ए क्यूब प्लस वन बाय ए क्यूब इक्वल टू थ्री अंडर रूट थ्री लेफ्ट हैंड साइड से थ्री अंडर रूट थ्री को राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तभी हो जाएगा माइनस थ्री अंडर रूट थ्री और ए क्यूब प्लस वन बाय ए क्यूब इक्वल टू थ्री अंडर रूट थ्री माइनस थ्री अंडर रूट थ्री इक्वल टू जीरो और यही इसका सोल्यूशन होगा लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर तथा तो तो सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू